वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नकहा सतही एक आरा मशीन को सील कर दिया। गौरतलब है कि तिनकोनिया रेंज और मुख्यालय रेंज के संयुक्त ऑपरेशन में तिनकोनिया जंगल से काट कर लाई गई लकड़ी आरा मशीन परिसर के बाहर ही बरामद हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी तिनकोनिया रेंज विजय कुमार शुक्ला, वन दरोगा महेंद्र प्रताप सिंह, मनीष तिवारी, विधि नारायण वर्मा एवं अन्य कर्मचारियों ने सूचना के आधार पर उस आरा मशीन को सील कर दिया और इस दौरान आरा मशीन मालिक एवं उनके समस्त कर्मचारी दीवाल की बाउंड्री कूदकर फरार हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया। चलो हो गया दूर क्या लगी बस रहे तो बस रहे कोई पल्ला का लाह गरम कर मोमबत्तियां लावा पर लगाई ऐसा ऊपर हाँ मोमबत्ती उसे तेज सर है हट्टे नीचे नीचे छोड़ी छोड़ी और वहाँ पर तब तहरी हो ऐसा है ना सिकवा से दबा दो उसको जल गर्म हो गया है उसको गिराया नहीं जाता है सिकवा से उसको दबा दिया जाता है और दबा और ऊपर से दबा दो हो गया चलो बस। ये सुबह में तकरीबन 4 बजे के अराउंड सूचना तिलकोनिया रेंजर उनके द्वारा मिली कि उनको मुखबिर से सूचना मिली है कि उनके जंगल से पेड़ काट कर शहर की तरफ लाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि वो पेड़ एक नकहा के पास आरा मशीन है वहाँ पर ले जाई जाएगी। सूचना मिलने के उपरांत तिलकोनिया रेंजर मुख्यालय रेंजर के साथ कोऑर्डिनेट करके नकहा में द्वारिका श्री द्वारिका जी का आरा मशीन है सन ऑफ अमरनाथ इनके द्वारा आरा मशीन संचालित किया जाता है और तो मौके पर स्टाफ पहुंची वहां पर से 22 बोटा सागौन का जंगल की लकड़ी ताज़ा खटान बिल्कुल बरामद किया गया और उसके उपरांत जो वहां पर लोकल वर्कर थे और मालिक मौके से फरार हो गए। उसके बाद वहां से ताला खुलवाया गया ताला खोल करके वापस आरा मशीन की कम्प्लीट जाँच की गई तो तकरीबन 128 बोटा सागौन का बरामद हुआ है और 7 बोटा नीम का। मौके पर कोई भी उचित कागज़ दिखाने के लिए नहीं आया। इसके उपरांत आरा मशीन को सील कर दी गई है और आरा मशीन ओनर को नोटिस भेजी जाएगी कि इसमें अगर मैं जवाब दे अगर मैं जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सारी 128 बोटा लकड़ी सील कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो जंगल की लकड़ी वहाँ पर ले जाई गई थी उसके लिए कार्रवाई होगी।